हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 13 जनवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ये दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले वोडाफोन आइडिया में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन वोडाफोन आइडिया में हमें 8.47% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 12.80 पे। तो यहाँ पे याद रखे, कल के ही दिन इस स्टॉक का जो हमने आज के लिए एनालाइज लाया था, जहाँ पे हमने कहा था कि स्टॉक जो जरूर पॉजिटिव हमें देखने मिलने वाला है और यहाँ पे आज के दिन कुछ ऐसा ही हमें आज देखने मिला। फिलहाल यहाँ पे हमने जरूर 12.35 से 12.70 के बीच में हमें कहा था, लेकिन हमने वो भी कहा था कि वॉल्यूम अगर बढ़ा तो यहाँ पे और अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पे शुरू में ही गैप अप ओपनिंग होते हुए हमें जो स्टॉक ऊपर जाते हुए देखने मिला, जो बढ़िया यहाँ पे जो है एक तरह से जो हमें क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे 8.47% के ऊपर यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है और 12.90 के आसपास हमें देखने मिला है। बाकी यहाँ पे क्या आने वाले दिनों में और ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में कल के लिए बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल स्टॉक में क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 1 डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। वॉल्यूम यहाँ पे आप देखिए तो एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे मीडियम साइज की कैंडल बनी है, दोनों साइड में यहाँ पे विक देखने मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हुआ है, यहाँ पे 50 MA के आसपास यहाँ पे स्टॉक ने जो है रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे के साइड में हमें क्लोजिंग दी है। बात करूंगा मैं RSI की, RSI यहाँ पे 43-44 के आसपास है, मतलब यहाँ पे RSI जरूर हमें एक पॉजिटिव का जो है यहाँ पे एक इशारा देता है। लेकिन याद रखना, RSI हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे भी जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए अगर मैं कहूँ तो जरूर यहाँ पे मेरा ओपिनियन अभी भी नेगेटिव है, जो हमारा कल भी था आज भी वही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते क्लियरली कट टू कट यहाँ पे 50 MA पे जो है रेजिस्टेंस फेस किया है और उसके नीचे ही क्लोज दिया है। अगर यहाँ पे अच्छा बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस करते और ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे आज के दिन हमें वो देखने नहीं मिला है। इसकी वजह से यहाँ पे अभी भी स्टॉक जो है वो हमारे लिए नेगेटिव है और स्टॉक हाई चांस है 10 तक यहाँ पे 10 रुपीज तक यहाँ पे आपको आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा स्टॉक में आप कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बन रहा है और कल का हमारा क्या जो है यहाँ पे ओपिनियन बन रहा है आज के क्लोजिंग के बेसिस पे। तो फिलहाल यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, यहाँ पे सारे के सारे मार्किंग्स ऑलरेडी है, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस सारे के सारे मार्क्ड है। सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग के, 12.85 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई, डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 12.70 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 13 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो बनता है। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो यहाँ पे जरूर जो है एक तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब यहाँ पे जरूर थोड़ा सा जो है इंक्लाइन हूँ मैं यहाँ पे नेगेटिव साइड में, लेकिन यहाँ पे जो है हमें 3-4% के अंदर हमें जो है नेगेटिव क्लोजिंग जो देखने कल के दिन मिल सकती है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी यहाँ पे कल के लिए अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस की, वो आप जरूर जो है यहाँ पे नोट कर ले। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 12.35 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 11.95
5 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेशन के बाद अगला रेशन आता है 13.40 का, उसके बाद का आता है 14.15 का। तो यहाँ पे दो सपोर्ट और दो रेशन जो है मैंने बता दिया, जरूर जो उसी को कंसिडर में रखते हुए जो यहाँ पे अपना जो है कल के दिन ट्रेड ले। मुझे लगता है स्टॉक में कल के दिन हमें 11.95 से लेकर 12.35 के बीच में हमें जो क्लोजिंग देखने जो है मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पे अभी जो है फिलहाल स्टॉक में अभी भी नेगेटिव जो है इम्पैक्ट जारी है। मतलब स्टॉक ओपनिंग में जो है यहाँ पे जरूर पॉजिटिव जा सकता है, लेकिन क्लोजिंग जो है नेगेटिव हमें देखने मिल सकती है। बहुत यहाँ पे ऐसा जो है हमें इंडिकेशन आ रहा है यहाँ पे, मतलब अपसाइड जरूर जाएगा लेकिन क्लोजिंग जो हमें नेगेटिव देखने मिल सकती है। यानी कि 2-4% का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हमें कल के दिन देखने मिल सकता है। आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।